हेलो फ्रेंड्स, नो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, एसपी पैंती वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं हरामपुर न्यू बस स्टैंड। आज हम घर जा रहे हैं और दोस्तों, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो हल्का सा एक ब्लॉग है। तो दोस्तों, रामपुर जो बस स्टैंड है, इसका जो शिलान्यास किया गया था श्री वीरभद्र सिंह, श्री सिंगी राम जी और श्री जी एस वाली जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और इसका उद्घाटन ठाकुर महेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बस स्टैंड बना है रामपुर वो शहर में। काफ़ी ज़्यादा बसेस यहाँ पर लग जाती हैं और ये सामने का व्यू है चाटी का, तो ऑसम व्यू है चाटी का भी, क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ से देखने पर रामपुर बस स्टैंड का जो नज़ारा है बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों, पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू बारिश होने के कारण जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, अभी भी बर्फबारी यानी स्नोफॉल अभी भी जारी है। तो आप देख सकते हैं जो चोटियों में धुंध पड़ी है, यहां पर अभी स्नोफॉल चला है। तो दोस्तों, बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी जिस कारण हम बस स्टैंड के अंदर आ गए और मेरे साथ आज है रॉकी। तो दोस्तों, अपना दोस्त है, उससे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो फ्रेंड्स, आज तारीख है 24 अप्रैल। तो आज का जो मौसम है, तो दोस्तों ज़बरदस्त बारिश हो रही है। करीबन 3 दिन हो गए हैं कंटिन्यू बारिश हो रही है, दिन को भी और रात को भी। तो कई इलाकों में क्या है, स्नोफॉल हुआ है आज, पिछले कल भी हुआ है। तो जिस कारण क्या हो गया, जो हमारी एप्पल क्रॉप थी टोटल लॉस हुआ है। तो अपने साथ है रॉकी भाई। तो भाई अपने यूपी में रहते हैं, तो भाई से सुनते हैं कुछ यूपी का हाल क्या है आजकल का। भाई बताइए क्या है यूपी, भाई में यूपी में तो सबसे पहले कोरोना का ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर डे केसेस 35,000 से अबव आ रहे हैं, तो वहाँ पर इतना बुरा हाल है। हॉस्पिटल में बेड की कमी है और साथ में अगर देखा जाए तो बारिश वहाँ पर बहुत ही कम होती है, बिल्कुल मामूली। तो भाई आप यहाँ पर आए हैं आज, कैसा फील कर रहे हैं? कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर भीगे हैं, देख सकते हैं भाई लोग, इधर अपन पूरा भीगे हैं आज। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जनवरी फरवरी मींस जो मतलब कि सर्दी का जो टाइम होता है वो फील आ रहा है आजकल। आपको कैसा फील हो रहा है भाई यहाँ पर, जैसे आप आए हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद आप यहाँ पर पहुँचे हैं, मतलब कि काफ़ी यहाँ पर जो बारिश है करीबन 2-3 दिन से चली है। आप देख पा रहे होंगे पिछले कल पहुँचे हैं आप, तो मतलब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है आज। यूपी और दिल्ली के इलाके में बारिश पिछले 2-3 महीनों से बहुत ही कम दर्ज की है, मतलब बहुत ही कम स्तर पर हुई है। तो वहाँ पर इतनी भीषण गर्मी आ गई थी बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे जब ट्रैवल करते शिमला पहुँचा मैं, तो मुझे ठंड का ऐसा एहसास हुआ कि मुझे जैकेट लगाने पड़ी। तो भाई जब आप मॉर्निंग में उठे थे तो आपने देखा होगा बाहर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उस पर स्नो फॉल हुआ है, तो कैसा फील करें आप, कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका हिमाचल जब आप पहुँचे लॉन्ग? बेसिकली आप हिमाचल से योग डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से अपने गाँव के भाई, तो कैसा फील कर पा रहे थे आपकी मतलब कि स्नो फॉल हुआ है अप्रैल में? मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रहा था, जैसे जनवरी में होता है मौसम वैसा ही फील अभी आ रहा है। हालांकि ऐसा देखा नहीं जाता है, इस बार अप्रैल में बर्फबारी हुई है। बिल्कुल रेयरली अप्रैल में बर्फबारी होना बहुत भाई अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हुआ है इस बार, जिस कारण क्या है जो हमारा एप्पल फार्मर है, मतलब कि एप्पल क्रॉप जो है काफ़ी सारा डिस्ट्रॉय हुई है। मतलब कि कई जो हाइट के इलाके हैं वहाँ पर अभी मतलब कि फ्लावरिंग हुई थी, मतलब फ्लावरिंग पे स्नोफॉल होना बहुत बहुत दुखद है किसानों के लिए, बहुत इसे दुखद घड़ी और कुछ नहीं हो सकती है। तो रॉकी भाई, जो अपने यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे लिसनर है, वो जानना चाहते हैं आप यूपी में कौन सी जगह पे होते हो और यूपी में क्या करते हो, आप बताइए ज़रा अपने यूट्यूबर के जो सब्सक्राइबर हैं। मैं यूपी में नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 55 में। तो वहाँ मैं आज तक के इंस्टीट्यूट है इनका, इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट, वहाँ पर स्टडी करता हूँ। तो जैसे भाई आप हिमाचल में आए, होता है ना जैसे अपने एरिया में आते हैं ऐसा लगता है जैसे अपनापन फील होता है, मतलब कि
होता है, कैसा लगा आपको जब आप हिमाचल में एंटर हुए, अब आप रात को आए शिमला में, आप स्टे किया आपने, तो शिमला में कैसा फील किया और जो रामपुर का जो वेदर था कैसा आपने फील किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जो मेरे मंथ वहाँ गुजरे थे यूपी में, तो वहाँ मतलब ऐसा नज़ारा नहीं देखा जाता था, वहाँ दूर दूर तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग सिर्फ। तो यहाँ जैसे मैं एसपी में एंटर किया तो वहाँ मुझे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वो हवाएँ, झंड, बड़ा एहसास हुआ। हाँ, प्योर है वहाँ पे, पोल्यूशन भी ज़्यादा रहता है तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो बिल्कुल भाई, अभी हमने एक्सपीरियंस किया जो प्रीवियस नियर बाई वन वीक अगो अगर देखें तो यहाँ पर डस्टी रेन हुई थी, मतलब कि जो बारिश है, बारिश में क्या है, मतलब मिट्टी वाली बारिश हुई थी। तो अभी जो क्लाइमेट चेंज देख पा रहे हैं हम कि मतलब कि ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, जिस कारण क्या है अपना क्लाइमेट चेंज, टोटली क्लाइमेट चेंज हुआ है और अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड जो बारिश हो रही है। अपना जो हमारा रहता है सर्दियों का टाइम, उस वक्त बारिश नहीं हुई, ना स्नोफॉल हुआ और स्नोफॉल हो रहा है अप्रैल में। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो रोल है, बहुत तगड़ा सीन चला है क्लाइमेट चेंज का। के लिए बड़ी खतरे की गलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बागवान है अपने, बिल्कुल भाई लोग, क्या है जो हमारा होता है क्लाइमेट चेंज का जो मेन रीज़न है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो रोकी भाई, अपने जो दर्शक है, अपने जो लिसनर है, यूट्यूब लिसनर, तो इनको बताइए कि जो यूपी में है जो मास्क है, कंपलसरी मास्क है, जैसे हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि कंपलसरी मास्क है, विदाउट इसके क्या है यहाँ पर चलान हो रहा है, मतलब कि, तो भाई लोग ऐसा नहीं है कमेंट्स में ये मत ऐड कीजिएगा कि भाई ने मास्क नहीं पहना। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत रहता है, यहाँ पर ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, तो जिसका हल्का सा मैंने मास्क रिमूव करा है। तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर जो यूपी में है माहौल आज की डेट का, जो कोविड-19 का दौर है, तो वहाँ का जो क्या रुझान है वहाँ मास्क पे? देखो, अगर पहली बार पकड़ दे कोई पचास रुपये का जुर्माना है, अगर उसको दूसरी बार किसी का चलान हुआ तो 10 गुना ज़्यादा है, मतलब यानी कि आपको 10,000 राशि चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों कोविड-19 का दौर है, तो मास्क पहने रखिए और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, 2 गज़ की दूरी मास्क है जरूरी का जो स्लोगन है उसको फॉलो कीजिए। तो अब हम ले चलते हैं आपको जो ये रामपुर बस स्टैंड है उसका थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले लगे, यहाँ पर जो लोकल रूट्स है, जो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं बसेस, तो उसकी जो लिस्ट है यहाँ पर डिस्प्ले होती रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है बस स्टैंड में कैंटीन, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर साफ़ सफाई रखी होती है यहाँ पर, तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर भाई जो बस स्टैंड बना है, काफ़ी सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड है जो एक होनी चाहिए HRTC बस स्टैंड में। तो दोस्तों अंदर ले चलता हूँ आपको, तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पर सफाई का विशेष कर ध्यान रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है ये कैंटीन। तो दोस्तों बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में एक एक कप चाय बनता है। तो दोस्तों हम चाय पी के ख़त्म हो चुके हैं, तो अब चल पड़ते हैं कैंटीन से बाहर, आपको दिखाते हैं बस स्टैंड का व्यू, क्योंकि अभी तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो बाहर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब आपको दिखाते हैं बस स्टैंड का व्यू। तो दोस्तों यहाँ पर ATM फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ICICI बैंक का जो ATM है यहाँ पर लगा है, तो जैसा कि हर बस स्टैंड पे होता है तो वैसे ही रामपुर बस स्टैंड में भी ATM फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों जब मैं छोटा था और रामपुर को शहर आया था, इतनी सारी बसेस को एक साथ देखकर मैं थोड़ा शॉक रह गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी सारी बसेस देखी थी। तो कुछ ज्ञानी लोग हैं कमेंट कर लेंगे कि भाई तब भी ये बस स्टैंड नहीं बना था, अरे भाई ओल्ड बस स्टैंड भी था, वहाँ पर भी काफ़ी सारे बसेस हुआ करती थी जो हमारे विलेज में एक साथ नहीं होती है। तो दोस्तों ये है व्यू सतलुज रिवर का। तो दोस्तों इस व्लॉग का अंत हम यहीं पर कर रहे हैं। तो दोस्तों भरी बारिश में आप सभी के लिए एक व्लॉग तैयार किया है, तो आई होप सो दोस्तों आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा, और दोस्तों
आप सभी से विनती है, भाई का चैनल जितना शेयर हो सके उतना कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।